राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के बाद अब कांग्रेस उम्मीदवारों की फर्जी सूची सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए कांग्रेस ने अभी तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक तक नहीं की है, लेकिन 48 उम्मीदवारों की सूची सामने आई है। इस सूची को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है। फर्जी सूची को कई नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। सूची में कई मंत्रियों और बड़े नेताओं के नाम हैं। सूची का फैक्ट चेक करने के बाद इसकी अलग ही हकीकत सामने आई है। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही सूची को कांग्रेस ने फेक बताया है। कांग्रेस में अब तक केंद्रीय चुनाव समिति तो दूर, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक तक नहीं हुई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बिना उम्मीदवारों की घोषणा हो ही नहीं सकती। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 14 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, इसके बाद ही उम्मीदवार घोषित होंगे। ऐसे में पड़ताल में ये फेंक पाई गई है। फर्जी सूची में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साइन दिखाया गया है, जबकि उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस संसदीय दल की तरफ से जारी की जाती है। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची के लेटर का फॉर्मेट अलग होता है। 48 उम्मीदवारों की इस सूची में कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम हैं। इस फेक सूची में लक्ष्मणगढ़ से प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, लालसोट से मंत्री प्रसादी लाल मीणा, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास, जोटवाड़ा से लालचंद कटारिया, बीकानेर वेस्ट से बीडी कल्ला, कोटपुतली से राजेंद्र यादव, खाजूवाला से गोविंद मेघवाल, कोलायत से भंवर सिंह भाटी, झुंझुनू से बिरजेंद्र ओला के नाम हैं। शाहपुरा से आलोक बेनीवाल, दूदू से बाबूलाल नागर, लाडनू से जगन्नाथ बुर्डक सहित कई विधायकों के नाम भी शामिल है। बीजेपी ने 9 अक्टूबर को अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए 41 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की थी। उसके बाद से लगातार बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था। इसी बीच बुधवार शाम को बीजेपी की दूसरी लिस्ट सोशल मीडिया पर शेयर हुई, जिसमें बताया गया कि 9 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।